तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा को हम लोगों ने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि आगे जब आप जाएंगे एरिया कैलकुलेशन के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, और किसी भी जैसे कोई हाउस है उसका लेंथ और विड्थ आपको निकालना है, जैसे देता है कि लेंथ इज 2 टाइम्स मोर देन विड्थ, तो वहां पे क्या होता है आपको मल्टीप्लीकेशन करके एरिया निकालना पड़ता है। तो वो इक्वेशन जो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे आप उनको थ्रोली और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मूव करते हैं अपने बेसिक चैप्टर पे। सो दिस इज अबाउट मी, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी टाइम्स। सो माय नेम इज मुकेश कुमार यादव एंड माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर डिजाइन इंजीनियर विथ हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। और मेरी हॉबी है वो टीचिंग है, स्विमिंग है एंड बुक्स रीडिंग है। सो अगर सिलेबस मैं इस टाइम सिलेबस में प्रेजेंट करता हूँ, द रीजन इज दैट कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कौन से पार्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और आप ये चैप्टर्स की जो वेटेज है ये डिसाइड होता है कि आने वाले 11th 12th एंड फॉर द ग्रेजुएशन इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको एक नॉलेज देगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर अलजेब्रा, क्वाड्रेट, ज्योमेट्री ये सब आपको डेली यूज में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कौन से चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के टाइम में बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर 3 होगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्यूबिक, अगर ये ऑर्डर 4 होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे वो क्वालिटिक हो जाएगा, या क्वांटिक हो, 5 होगा तो क्वांटिक हो जाएगा। सो अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ए और बी जो होते हैं दीज आर द कोफिशियंट्स, और सी जो होता है कॉन्स्टेंट होता है। इसमें एक और कंडीशन होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर वेयर यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो मैंने आपको बताया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, और एक इमेजिनरी नंबर होता है जो अभी आपको वो आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। बट अभी आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं विथ गिवन कंडीशन होती है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों है ए इज नॉट इक्वल टू 0? अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर मैं ए की वैल्यू 0 रख दूंगा तो दिस इक्वेशन बिकम्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई जहां पे एक्स का ऑर्डर 1 है। सो ये कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तभी बोल सकते हैं जब एक ए बी सी आर रियल नंबर एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स इज 2 एंड देयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे, जैसे सपोज दैट 2x² + x - 300 = 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ऑर्डर 2 है और ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 1 है एंड सी इक्वल टू -300। ओके, सिमिलरली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में ये है कि आपको ऑर्डर जो नंबर वर्ड्स का ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। ये है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। मतलब x स्क्वायर का टर्म पहले आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हो गई माइनस 3, b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई 2। तो ये आपको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जैसे ये देखिए, ये देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपको ये ऐसे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे जो b है माइट बी b इक्वल टू 0, इसलिए आपको यहाँ पे x का टर्म नहीं दिख रहा है। और आपके कंडीशन में दिया हुआ है कि ओनली a शुड नॉट बी a नॉट इक्वल टू 0, b हो सकता है, c हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। ये एक आपको जस्ट अंडरस्टैंड करके रखना है कि हमारी कंडीशन जो है ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, और ये जो है ना ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बी कैन बी 0, सी कैन बी 0। जैसे यहाँ पे आपको देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो ये बन के आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन के आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 301। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मैं कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी का देखिए कोई टर्म नहीं है, बी की वैल्यू 0, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 301। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस अगर कहीं पे ए इक्वल टू 0 आ गया तो दैट इज रॉन्ग, ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। पढ़िए उसे सॉल्व क्या है कि अगर x का मैंने पहले बताया था कि अगर किसी भी अगर x स्क्वायर है तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2, ये बोलते हैं जीरोज और रूट, ये सेम होता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था अलजेब्रा के, जहां पे हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, वहां मैंने जीरोज का नाम लिया था। तो जीरोज एंड रूट्स, जीरोज क्यों बोलते हैं वो भी आपको मैंने वहां बताया था। अगर x क्यूब है तो इनके जीरोज 3 होंगे। तो अगर x के दो रूट्स होंगे, x स्क्वायर के दो रूट्स होंगे, तो इन रूट्स को हम निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो जिसमें जो पहला मेथड से आपका वो ये है, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी बताया था कि किसी भी वर्ड का फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं, बस हम यहां पे ब्रीफ में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 1, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, टू अप्लाई दिस फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में मैं बताता हूँ क्यों इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे पहले जो कोफिशियंट होता है वो 1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए से इसमें पूरे में कंप्लीट में डिवाइड कर दूंगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ये बन गया। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि ये जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, द सम ऑफ द टू रूट्स। अगर अल्फा और बीटा, मैं नीचे इसको थोड़ा लेता हूं और यहां बताता हूं, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, जो एक्स का टर्म होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो देखिए फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अगर फैक्टराइजेशन में सपोज दैट ये
एक इक्वेशन मैंने लिया हुआ जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें दो कंडीशन आपको देखनी है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहला क्या है कि जो ये टर्म है सी का टर्म मीन्स माइनस टेन, इसका क्या होना चाहिए, दिस शुड बी मल्टीप्लाई टू नंबर्स टू गेट, दो नंबर्स ऐसे आपको सिलेक्ट करने हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाए माइनस टेन। और जो एक्स प्लस एक्स का टर्म है इसके लिए क्या करना है, कंडीशन नंबर टू ये आपको ध्यान रखना है, इट विल हेल्प टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम वेयर वेयर जो एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या है वो वन है, कोफिशियंट क्या है वन है, कोफिशियंट क्या है इसका वन है। तो आप इजिली ये रूल कंडीशंस लगा के आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हम देखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वी विल सी कि उनको इस मेथड के थ्रू कैसे करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को और इस टर्म का फैक्टर निकाला, 10 का फैक्टर निकाल दिया 2 × 5, और 3 को क्या बोला मैंने, दिस शुड बी द सम ऑफ द फैक्टर, तो एड टू नंबर्स टू गेट दिस, दो नंबर को एड करेंगे तो प्लस 3 आना चाहिए और दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए तो माइनस माइनस 10 आना चाहिए, और वो दोनों नंबर क्या होंगे इस इक्वेशंस के क्या होंगे, रूट होंगे, रूट होंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का बेसिक फंडा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि मैं यही प्रॉब्लम लेता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स सॉरी प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप देखिए बच्चों, यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे दो नंबर निकालने हैं, तो 10 कैसे आएगा, 10 आएगा, 10 का जो फैक्टर मैं निकालूंगा वो क्या होगा 2 × 5। इसके अलावा 10 का और फैक्टर क्या हो सकता है, इसके अलावा 10 का फैक्टर वो द रियल नंबर, ये ध्यान रखना है, दीज आर द रियल नंबर। तो हो गया, अब दो इन दो वर्ड्स को एड करूंगा तो कितना आना चाहिए प्लस 3। देखिए अभी ये प्लस 10 है तो मैं यहाँ पे साइन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसका भी मुझे आउटपुट चाहिए, प्लस 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 3x का। तो अब देखिए यहां पे 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये दो नंबर मुझे मिल गए मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर वन सेकेंड क्या है कि दोनों का सम करूंगा तो 2 + 5 लिखता हूं, कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, आना चाहिए +3। तो अगर मैं यहां पे 2 की वैल्यू अगर -2 करता हूं तो कितना आएगा, अगर 2 को मैं -2 करता हूं तो कितना जाएगा -10। इट मींस दिस फर्स्ट कंडीशन इज ओके। अब सेकेंड कंडीशन में चलते हैं, अब मैंने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, अब इसी को मैं सेकेंड कंडीशन पे सप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं -2 करता हूं तो -2 + 5 ये क्या आ जाएगा +3। तो देखिए आपको यही पे मिल गया कि आपके रूट क्या होंगे, लेकिन मैं इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करता हूं। इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप इक्वेशन रखते हैं एक्स स्क्वायर, अब देखिए जो छोटे आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमको इनका फ्रैक्टराइजेशन निकाल के कॉमन लेना है तभी आप रूट निकाल पाएंगे। यहां पे मैं करता हूं -2x + 5x - 10 = 0। मैंने क्या किया, बीच का जो टर्म है एक्स का उसका मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन नंबर 1 एंड विद द हेल्प ऑफ कंडीशन नंबर 2। तो फर्स्ट आपको कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करना है, देन आपको कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करना है, और देन आपको इस इक्वेशंस में उसको रख के आपको सॉल्व कर देना है। आपको रूट मिल गया यहाँ पे 2 और 5 होगा, बट -2 और 5 होगा, बट आपको इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी x² - 2x + 5x - 10 = 0। अब क्या करूंगा, यहां से मैं x को कॉमन ले लूंगा तो x - 2 आ जाएगा, प्लस यहां से 5 को मैं कॉमन ले लूंगा तो x - 2 = 0। -10 ओके।
आई थिंक हमने इक्वेशन थोड़ा सा ठीक है ओके okay. तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक्स एक्स माइनस टू में पूरे में से यहाँ सिक्स टू उठा लूँ, यहाँ सिक्स टू उठा लूँ एंड एक्स प्लस फाइव टू जीरो। देखिए अब आप कहेंगे कि सर हमें रूट निकालने के लिए इसको इक्वेशन को, आप बस एक बेसिक ध्यान रखिए कि अगर ये दो नंबर है नंबर वन और नंबर टू, इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आना चाहिए। अगर जीरो कब आएगा, जब या तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा और एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये दोनों नंबर जीरो आ सकते हैं, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तो कभी भी इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं आएगा। तो हम इस कंडीशन को रख के हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आई थिंक। हाँ ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आ गया रूट। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, अब बेसिक एक आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया कि फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सेकेंड सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखिए आपको एग्जाम में अगर दिया है कि आप रूट्स निकालिए, तो रूट्स निकालने के लिए अगर लिखा है कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देन आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इफ अगर लिखा हुआ है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको जो मैंने पहले बताया वो उसके थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, वहां पे मैंने देखा एक्स माइनस टू निकाला इंटू एक्स माइनस फाइव जीरो निकाला। ठीक है, इससे मैंने रूट निकाल लिया। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं, जिन इक्वेशंस को अगर आपको दिया हुआ है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करना है, तो जैसे मान लीजिए कि मुझे इस इक्वेशंस को, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया हूं स्क्वायर, आपने ऑलरेडी इसका बेसिक पढ़ा होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो बर्थ हुआ है वो कैसे हुआ है, बट मैं आपको वहां लेके नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आई एम ब्रीफिंग यू कि आपको अप्रोच कैसे रखना है और आपको अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए सिंपल एंड इजी वे में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, स्टूडेंट्स आपको पता है एक्स सॉरी आपको ये आपको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको ये पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये होता है। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, तो यहां पे ये एक्स क्या है ए, बट आपको यहां पे बी स्क्वायर भी निकालना है। बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, अगर ये टर्म लेता हूं, क्योंकि एक्स तो आपने निकाल लिया ए, एक्स स्क्वायर हो गया, जो फोर एक्स है, फोर एक्स है वो क्या होगा, देखिए ये होना चाहिए टू ए बी। तो अगर यहां पे मैं लिखूं ए की वैल्यू आपको पता है एक्स है, तो फोर एक्स इक्वल टू टू एक्स बी, तो बी को सू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी को सू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी को सू हो जाएगा टू हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट और टू टू जिया फोर, तो बी की वैल्यू टू आ गई। एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू एक्स आ गई, बी की वैल्यू टू आ गई, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूं एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर प्लस फोर एक्स, फोर एक्स। लेकिन मेरे बच्चों आपके इक्वेशंस में यहां पे प्लस फोर आना चाहिए, तभी आप कंप्लीट स्क्वायर बना पाएंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है माइनस फाइव, माइनस फाइव, ये देखिए। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे,
अगर मैं लिखूं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, हमको यहां पे क्या चाहिए, हमको यहां पे चाहिए 4, तो मैं क्या कर सकता हूं, प्लस 9, दोनों साइड में प्लस 9 प्लस 9 ऐड कर दिया। देखिए अगर मान लीजिए कि ये दो ब्लॉक हैं, इसमें इसमें वन बॉल है, इसमें टू बॉल है, और मुझे दोनों को लेकिन इनका वेट सेम है, मतलब एक बॉल बॉल का वेट और यहाँ पे दो बॉल वेट, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी वेट 5 kg है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि मैं इनको दोनों को हमेशा बराबर ही रखना, तो मैं इसमें आप अगर एक बॉल यहाँ ऐड कर देंगे, एक बॉल यहाँ ऐड कर देंगे, लेकिन इन दोनों बॉलों का वेट 1 kg है, तो इसके दोनों का वेट क्या हो जाएगा, यहाँ 6 kg हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 kg हो जाएगा, मीन्स वेट ऑलवेज इक्वल रहेगा। तो यही है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कि मैंने लेफ्ट और राइट साइड में प्लस 9 ऐड कर दिया, तो जो आपकी इक्वेशंस बन के अब यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना बच्चों, तो ये आ गया 9। अब देखिए 9 आ गया, मैं क्या लिख सकता हूं, इसको यहां लेता हूं, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे एक आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको यहां पे दो रूट फाइंड आउट करना है, क्या करना है, दो रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक का हो गया x इक्वल्स टू 1, आप सेकेंड रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये जो आपका होता है ना, ये प्लस और माइनस 3 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर प्लस 3 का स्क्वायर भी करेंगे आप तो आएगा 9, और माइनस 3 का भी स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा 9, क्योंकि आपको दो रूट फाइंड आउट करना है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3 लिखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5। अब देखिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 5, इसको आपको इक्वेशन में रख के चेक करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में तो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। अब x की वैल्यू मैं माइनस 5 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस, कितना आ जाएगा, 20 माइनस 5, ये भी आ जाएगा 0, इट मीन्स आपने जो रूट निकाला है वो सेम है। तो देखिए बच्चों मैंने बेसिक आपको एक आइडिया दिया है, बेसिक आइडिया क्या दिया है, आपको एक क्रोनोलॉजी में समझा देता हूं कि कैसे करना है। सपोज देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या करना है, कोई भी रूट दिया हुआ है, आपको सबसे पहले करना है क्या, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसमें देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये टर्म हटा देता हूँ, अदरवाइज इट विल मिस कंफ्यूजन, ये बी हटा देता हूँ, यहाँ मैं कुछ अलग लिख देता हूँ, वर्ड ये मैं लिख दिया, मान लीजिए 3 and 4 and 9, एक इक्वेशन। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस टर्म को, इसमें जो कोफिशियंट है उसको 1 करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 by 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसे कंपेयर करूंगा इसमें, तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, b इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b, हमें यहाँ b निकालना है, हमें यहाँ b निकालना है, तो अगर मैं x रखूंगा a की वैल्यू, तो जो ये टर्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ab इक्वल टू 4 by 3x, तो ये मैंने निकाल लिया, x है तो रखूंगा 2xb इक्वल टू 4 by 3x, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 2 गया तो ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 by 3 आ गई, तो आपको a भी आ गया, a इक्वल टू x, b इक्वल टू 2 by 3, तो आप क्या करिए a प्लस b का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। अब ये देखिए कि आपने जो a प्लस b का होल स्क्वायर निकाला है और आपने जो इक्वेशन दी हुई है, अगर वो मैच कर रहा है देन परफेक्ट, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड में भी प्लस या माइनस करना पड़ेगा, और सिमिलरली राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपको प्लस माइनस वैल्यू एड करके
आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही ये बना आपका सोल्यूशन, विद इन 1 सेकेंड आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर में एक और टर्म आता है, अगर आप ये देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, रूट्स निकालने के लिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि मैं परफेक्ट स्क्वायर जो अभी निकाला हूं, अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा ना इन द टर्म्स ऑफ ए बी और सी, तो आपको एक्स के जो दो रूट आएंगे ना वो यही आएंगे। वो क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप इजिली रूट निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, आपको क्या करना है, ए की वैल्यू लिख लेना है, ये जो भी होगा, फिर बी की वैल्यू लिख लेना है, फिर सी की वैल्यू लिख लेना है। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस एंड माइनस, तो आपको एक बार प्लस यूज करना है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू, मैं इसको रफ करता हूँ, ये इक्वेशंस मैं आपको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशंस आई कहाँ से है, यही परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आई है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताया है, ये इक्वेशन उसी के थ्रू आई है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू पहला जो रूट आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और जो सेकेंड रूट आएगा आपका यहाँ पे दैट विल बी एक्स। That will be x equals to minus b minus minus under root b square minus 4ac by 2a। एक बार प्लस ले लेंगे इसमें और एक बार माइनस ले लेंगे, तो आपको दो रूट मिल जाएंगे x के, और x1 इसको लिख सकते हो, इसको x2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जनरलाइज एक फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में, या सपोज दैट आगे चैप्टर्स में जो भी आपको कहीं पे रूट्स फाइंड आउट करने होंगे तो आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक फंडामेंटल है, जो मैंने आपको ये सब मेथड समझाए हैं कि आपको ए बी फाइंड आउट करना है और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देना है, तो यहां से जो आप सोल्यूशन निकालेंगे वो आपका एक्स एक्स वन और एक्स टू सेम आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार आता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर क्या होता है, नेचर ये होता है कि उस सपोज दैट कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन का पूछते हैं इसका नेचर बहुत खराब है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, सो हाउ यू नो उसका नेचर खराब है उसका नेचर अच्छा है, उसके बिहेवियर से पता चलता है। उस सामने वाले का नेचर अच्छा है या खराब है आप तभी बोल सकते हैं जब आपको उसके बिहेवियर के बारे में पता है। तो हम नेचर क्या बोलते हैं कि हम देखते हैं कि भाई इसका बिहेवियर क्या होगा। तो देखिए एक यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, अंडर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये टर्म है। अब देखिए जो b है, रूट में क्या होता है ना, रूट में अगर कोई नंबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका कुछ ना कुछ आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रूट के अंदर वो नेगेटिव है तो यू कैन नॉट सॉल्व बाय द दिस मेथड। तो वहां पे हम एक इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है जो आपको बाद में देखना पड़ेगा। तो बट हमारे सब्जेक्ट में भी क्या है, ऑल जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था रियल नंबर, सो हम पूरे इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे, हम इमेजिनरी नंबर पे नहीं जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, इफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, इफ जीरो देन, मैं इसमें क्या करता हूं, रख देता हूं जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एंड माइनस टू, ये क्या हो गया वर्ड, ये जीरो हो गया, इक्वल टू माइनस बी बाई टू। अब देखिए फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर यहां पे तो एक ही रूट आ रहा है। नहीं बच्चों, एक ही रूट नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि कभी ना जैसे कोई लाइन है, अगर कर्व ऐसे जा रहा है तो ये क्या करता है, इस पॉइंट पे कर्व को एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, तो यहाँ पे रूट दो होते हैं लेकिन जो जीरो जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको जीरो जो एक ही मिल रहा है, लेकिन ये इसकी वैल्यू दो होगी, मतलब एक्स वन इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए होगा और एक्स टू इक्वल टू भी माइनस बी बाई टू ए होगा। तो
हम क्या बोलते हैं कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड दे आर द रियल. तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो देन टू इक्वल रूट्स आर रियल, आर रियल. ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड कंडीशन होती है इफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. क्योंकि देखिए इसके चेंज होने से ही आपके सॉल्यूशन का सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा. अगर यहां पे ये क्या है, अभी सेकेंड रूट लिखते हैं कि इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x1 और x2 के दो वैल्यू मिलेंगे, वो क्या होंगे, टू डिफरेंट रियल रूट्स भी मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, इस कंडीशन में आप रख लीजिए ना, जैसे सपोज दैट कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई टू ए, अगर सपोज दैट यहाँ पे प्लस माइनस फोर है, अंडर रूट फोर है, तो अंडर रूट फोर की वैल्यू टू हो जाएगी, तो माइनस बी प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाई टू ए, तो आपको एक बार प्लस पे एक रूट मिलेगा, एक माइनस पे रूट मिलेगा. लेकिन अब जो थर्ड कंडीशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो. अब लेस देन जीरो मतलब क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू. आपको पता ही नहीं है कि अंडर रूट माइनस निगेटिव वैल्यू का सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे जो रूट्स आते हैं ना, रूट्स क्या हो जाते हैं, नो रियल रूट. ठीक है, तो ये आपको नेचर ऑफ द रूट समझना है. फर्स्ट कंडीशन अगर जीरो है तो दो रियल रूट मिलेंगे, दोनों इक्वल होंगे. अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या मिलेंगे, दो डिफरेंट रूट मिलेंगे बट दोनों रियल होंगे. थर्ड कंडीशन क्या होता है कि अगर लेस देन जीरो है तो आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं. नेचर ऑफ द रूट्स कैसे बताओगे आप, बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन. ये डिसाइड कर रहा है आपको अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके बेस पे आप नेचर ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो. सो ये आपका एक ब्रीफ सिलेबस था. अब हम मूव करते हैं आपके जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम देखते हैं. देखिए मैं क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देता हूं, देन आपको खुद से थोड़ा करना पड़ेगा सो देट यू कैन प्रैक्टिस. जब तक जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि राइट, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है. इसमें जो फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू जीरो है इक्वल रूट्स. सो मैंने आपको अभी नेचर ऑफ द रूट्स बताए थे, नेचर ऑफ द रूट्स. ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स बताए थे, कितने होते हैं, 1, 2 और 3 बताए थे, जिसमें आपका ये था कि जो ये टर्म है जिसमें डिटर्मिनेंट बोलते हैं माइनस फोर ए सी, ये इसकी कंडीशन क्या होती है फॉर इक्वल रूट्स, ये होती है जीरो. तो बोला है कि ये आपको फाइंड आउट करना है कि पी की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. पहले आप बोला पी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, देन आप इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करिए. तो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन का है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू जीरो. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैं कंपेयर करूँगा किससे, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, p और c की वैल्यू मिलेगी 16. अब क्या पूछ रहा है आपके, इक्वल रियल रूट. तो इक्वल रियल रूट के लिए क्या कंडीशन है अपना, फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो. क्या होना चाहिए, जीरो. तो मैं क्या करूंगा, अब उसको मैं यहां पे रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ फोर इंटू, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 16 इक्वल टू जीरो. तो इसको मैं लिख सकता हूं
ठीक है, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो कितना जाएगा, पी स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 64 इक्वल टू जीरो। अब यहां मुझे बोला है पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी माइनस एट एंड पी प्लस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से देखिए पी के दो रूट आ गए, पी के दो रूट क्या आ जाएंगे, पी माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो पी इक्वल टू एट, और यहां से क्या आ जाएगा पी प्लस एट इक्वल टू जीरो, तो पी इक्वल टू माइनस। अब ये बोल रहा है तो पी की वैल्यू प्लस एट आ गई, पी की वैल्यू माइनस एट आ गई। ठीक है, अब देखिए आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या है एक्स स्क्वायर क्योंकि आपका प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू एक बार एट रखिए, पी की वैल्यू एक बार माइनस एट रखिए, तो मैं क्या करता हूँ पी की वैल्यू मैं रखता हूँ एट, या मैं दोनों रख देता हूँ, तो पी एक्स स्क्वायर क्योंकि देखिए दोनों रूट सेम है ना, सेम है इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस एट एक्स प्लस 16 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैं इसको अगर फैक्टराइजेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस 4 का होली स्क्वायर तो है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 8x प्लस 16, इसको मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी। यहाँ से मैं दोनों स्क्वायर है तो उधर अंदर उठ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी माइनस 4। तो ये आपके देखिए मैंने इसमें क्या किया था, दो पहले p की वैल्यू फाइंड आउट करिए फॉर द नेचर ऑफ द रूट, देन उस p की वैल्यू की हेल्प से आप इस इक्वेशन में रखिए जो आपकी मेन इक्वेशन है और आपको रूट फाइंड आउट करना है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं मूव करता हूं आपके सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया हुआ है, बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज फाइंड आउट करने हैं, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स। कोफिशियंट्स क्या होते हैं, देखिए अब रूट फाइंड आउट करिए, ये जीरो हो गया, जीरोज वही होता है ना, रूट ही तो होता है, और उसके बाद कोफिशियंट क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने बोला है ए और बी क्या है कोफिशियंट्स है, सी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो पहले आप इनके रूट फाइंड आउट करिए और इनका रिलेशन। तो अगर इस इक्वेशंस को मैं देखूं तो यहां पे क्या है आपका इक्वेशन, वो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको इजीएस्ट वे क्या है, आप जो स्क्वायर वाला कोफिशियंट है ना इसको वन कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए वन कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में थ्री है यहाँ पे थ्री है, तो मैं क्या करता हूँ मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैं थ्री से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, किया जाएगा 21, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, बस सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाई थ्री जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा 21y² माइनस कितना जाएगा यहाँ पे 11y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। तो मैंने आपको बताया था एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कि आप फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन एंड सम, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कोफिशियंट है इसका ये वन नहीं है, तो वन ये तो क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगा सकते हैं, अगर इसके साथ भी हम निकाल सकते हैं 7 को इधर मल्टीप्लाई करिए, देन आप यहाँ से ए और बी निकालिए जो कोफिशिएंट मैंने बताया था और उसके थ्रू सॉल्व करिए, लेकिन यहाँ पे ये इजी वे में आपको देखते ही पता चल जाएगा इक्वेशन क्या कह रहा है। देखिए 21y²
आप ये समझिए कि मैं 11y को क्या लिख सकता हूं, ठीक है, 21y है तो मैं 11y को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं प्लस 3y माइनस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0, लिख सकता हूं ना इसको, ठीक है, इजीली लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 20y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहां से मैं 7 अगर कॉमन ले लूं, 7y ये बचेगा 3y माइनस 2 प्लस यहां से 1 ले लूं ये बचेगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर आ जाएंगे आपको, 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको y की एक वैल्यू मिलेगी माइनस 1 बाई 7 और एक y की वैल्यू मिलेगी 2y 3। अब क्या है, y1 y2 में लिख दिया यहां पे, अब बोल रहा है कि आपको कोफिशियंट से रिलेशन क्या निकालना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई a एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स ये क्या होता है, सी बाई ए। तो आप यहां से रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं, सम ऑफ टू रूट्स माइनस बी बाई ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस 1/7 प्लस 2/3, ये कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 14 ये आ जाएगा 11/21। तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू आ जाएगा 11/21। अब सिमिलरली अगर यहां पे मैं यहां पे निकालूं मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ जाएगा, सी बाई ए इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस 1/7 इंटू 2/3 ये कितना आ जाएगा, माइनस 2/21। अब देखिए b बाई ए वहां से कितना जाएगा, माइनस 11/21 ये, और c बाई ए कितना जाएगा, माइनस 2/ ये आ जाएगा माइनस 2/21। तो ये आपका इजिली रिलेशन निकल गया विद द कोफिशियंट्स, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में इसमें यही पूछा है, तो रूट फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, उसके बाद आप इजिली इसको कर लेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है, मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, जिसमें आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला मैंने ले लिया नेचर ऑफ द रूट्स, सेकेंड मैंने ले लिया आपको क्या है कि आपको कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है, और थर्ड में लेता हूं कि ये फॉर्मुलेशन क्या है। फॉर्मुलेशन करते ही आपको इजिली निकल जाएगा। पूछ रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स, द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। Had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks would be 2। देखिए आपको इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फाइंड द मार्क्स इन 2। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट का जो सम है वो 30 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक का मार्क्स मानना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि जो हिंदी में मार्क्स है वो क्या है, x, मानना तो पड़ेगा ही, आपके पास पता नहीं है। आप ये कभी मत करिएगा कि आपने हिंदी का मार्क्स एक्स मान लिया और इंग्लिश का मार्क्स वाई मान लिया, फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ा है, आपने कभी डबल वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ा, आपने वाई का टर्म नहीं पढ़ा है। तो हिंदी में एक्स है तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दोनों का सम 30 है तो 30 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब दोनों को ऐड करिए आप, 30 आएगा। तो अगर हिंदी में एक्स है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30-6। अब बोल रहा है कि अगर अगर हिंदी में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाए, तो हिंदी में बोल रहा है कि अगर x प्लस 2 आ जाए और इंग्लिश में क्या बोल रहा है, हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो 30-x-3 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 210। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि आपको पूछ रहा है कि आप उनके मार्क्स बताइए। देखिए इसने सिंपल सिंपल आपको बोला है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए आपको, सॉल्व करिए, ठीक है।
तो एक्स प्लस टू इंटू, देखिए ये 27 - x = 210। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा। देखिए मैं अगर एक्स एक्स 27 x, पहले एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें -x² फिर क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 54 -2x = 210। तो मैं क्या करूंगा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 27x - 2x कितना हो जाएगा, प्लस 25x। अब देखिए ये 54 है, ये 210 है, तो मैं क्या करूंगा 210 को इधर लेके आऊंगा, कितना जाएगा माइनस 210 - 54 कितना जाएगा 156, -156 = 0। अब यहां से मैं माइनस कॉमन लेके मैं कर लूंगा, तो -25x + 156 = 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हमें एक्स इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स इजीली पता चल जाएंगे। अब कैसे कितना आ जाएगा, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, देखिए 156 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 156 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 × 12, और 13 × 12 का सम कितना आएगा, यह आ जाएगा 156, और 13 × 12 का सम कितना आ जाएगा 25। तो कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू, तो यहां पे आ जाएगा x² - कितना जाएगा 13x - 12x + 156 = 0। यहां से एक्स माइनस 13 आ जाएगा, और यहां से एक्स एक्स माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है, आप इसको करेंगे इक्वल टू 0। तो यहां पे जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 13, सॉरी एक्स वन, और एक्स टू की वैल्यू आएगी यहाँ पे 12। अब देखिए अगर हिंदी में मार्क्स 13 है, तो इंग्लिश में अगर हिंदी में 13 होंगे, क्योंकि एक्स हमने माना हिंदी में, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 - 13, तो ये आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, दिस विल बिकम प्लस टू 17। अगर हिंदी में 12 होंगे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 18। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, नहीं दोनों का सम कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, यहां से आपको निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपको फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन के बाद आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन आप उसकी हेल्प से आप अपने आउटपुट को निकाल सकते हैं। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके जो भी आउटपुट आएंगे, जो भी आपके आउटपुट आएंगे वो क्या होने चाहिए, हमेशा कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए, नहीं तो आप प्लीज रीचेक करना, आप अदरवाइज ये गलत भी हो जाता है कभी कभी, प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो गलत हो गया। सिमिलरली आपके 2016 और 2017 में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है, ये आपके आपके सीधे सीधे आपके किससे है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस हैं, सॉरी एक्सरसाइज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, बुक से है ये। तो ये आई विल जस्ट से यू कि गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन रियली अंडरस्टैंड कि इसको इसका रूट क्या होगा। मैं यहाँ पे बता दूंगा, बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज आस्किंग द बोर्ड एंड देर इज नथिंग न्यू, ये सब कुछ वैसे ही है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। रूट फाइंड आउट करना है, आपको रूट दिख रहा होगा इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा या क्या होगा। इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है x², पहले इसमें इस टर्म को वन कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया है, या फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, पहला रूट वन होना चाहिए, 7/√2x + 5। अब देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और ए प्लस बी क्या होना चाहिए 7/√2 होना चाहिए, 7/√2। तो
आपको नंबर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर निकालूं, अगर तो देखिए इसमें मैं लिखूं 5/√2 इंटू रूट टू, कितना आ जाएगा 5 आएगा, और इसको सम करिए 5/√2 प्लस रूट टू, कितना आ जाएगा ये 7/√2 आ जाएगा। तो आपके जो दो नंबर होंगे 5/√2 और रूट टू, इसमें रखिए अपने इक्वेशन में और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बस आपको ब्रीफ बता दिया, यू हैव टू बी डू एट योर ऑन, आपको अपने से करना पड़ेगा इसको। अब बोला है कि इफ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ x = 2/3 एंड x = -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x + b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोला है कि अगर ये रूट हैं तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हमने आपको आपको बताया है कि कोफिशियंस का क्या टर्म होता है, कोफिशियंस का ही होता है ना कि ax² + bx + c = 0। तो देखिए माइनस बी बाई ए क्या होता है, यहाँ माइनस बी बाई ए क्यों लेते हैं, x² + b/a + c/a लिख सकते हैं ना, इक्वल टू जीरो। तो हम बस इस फॉर्म में लिख देते हैं, सॉरी x, तो ये जो टर्म होता है आपका माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू रूट्स, और c बाई ए क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से x = 2/3, और आपकी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, c की वैल्यू b है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 7 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे रखूं सम में b की वैल्यू क्या है 7 है, तो माइनस सेवन बाई ए इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स 2/3, प्लस 3 करोगे ये -3 है, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2/3 - 3, ये आ जाएगा -7/3। तो देखिए -7/ a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा e = 3 आ जाएगा। सिमिलरली c by a क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, तो c by a, लेकिन c की वैल्यू यहाँ पे क्या है b है, c की वैल्यू क्या है b है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ना b/a = कितना हो जाएगा 2/3 - -3, ये आ जाएगा -2। इट मीन्स b/a की वैल्यू आपने निकाला है 3 = -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो देखिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम रखना है, ओनली आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द एलजेब्रा, एंड टुडे वी हैव सीन दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और उनका हम प्रॉब्लम के थ्रू भी देखा है कि फॉर्मुलेशन में कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, और हम उसमें परफेक्ट स्क्वायर से कैसे करते हैं। सो वी आर क्लोजिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।